अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। फेसबुक पे आजकल एक बड़ा ही कूल फीचर चल रहा है 3D फोटो के नाम से। बेसिकली 3D फोटो होती क्या है कि एक फोटो, एक बड़ी स्पेसिफिक किस्म की फोटो होती है जो कि आजकल नए मोबाइल्स में फीचर आ रहा है। उस फोटो के अंदर एक डेप्थ होती है। जब वो फोटो फेसबुक पे बेसिकली अपलोड होती है तो वो 3D वाली फील के अंदर आ रही होती है, मतलब उसके अंदर एक डेप्थ होती है। अब ये चीज़ 3DS Max में जो हम रेंडरिंग करते हैं उसमें किस तरह से अचीव करते हैं जी, बहुत ही आसान है। चाहे कोरोना, चाहे वीरे, चाहे वो मेंटल रे है, या चाहे ऐप स्टोर में, या चाहे जो भी है, ये कैसे करते हैं। सबसे पहले जब आप रेंडर शुरू करने लगते हैं, सारी सेटिंग्स करने के बाद आपने एक पास ऐड करना है जी डेप्थ के नाम से। और जी डेप्थ पास होता है कि आप गूगल यूट्यूब पर जाकर देख लें कैसे ऐड करते हैं, क्या वैल्यूज रखते हैं। तो जब आप रेंडर फिनिश करते हैं, रेंडर फिनिश करते ही आपकी मशीन जब आप सेव करने लगते हैं, तो आपने जो मेन रेंडर है, लेट्स सपोज उसको अगर आपने नाम दिया 01.jpg, तो जो जी डेप्थ वाला पास होगा उसको आपने नाम देना 01_depth.jpg। दोनों तकरीबन सेम नाम के, सिर्फ ये फ़र्क होगा। जब आप दोनों को फेसबुक पे साइमल्टेनियसली अपलोड करेंगे तो फेसबुक ऑटोमेटिकली इसको कंसीडर करेगी एक डेप्थ वाली फ़ोटो, क्योंकि इसके साथ डेप्थ मैप साथ उसी नाम के साथ आ चुका होगा। तो जब आप फिनिश करेंगे, अपलोड करेंगे, तो बड़ा मज़ा आएगा देखने के बाद, क्योंकि वो 3D में आ रहा होगा। बड़ा कूल फीचर है, टेस्ट करके देखें, मज़ा ना आएगा तो पैसे दिए तो है नहीं, फिर भी वापस कर दें। ठीक है जी, मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मज़ीद नई खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।